अब मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं। बताऊं? याद रखोगे? ये आपके फायदे वाली है, फायदा उठाओगे? देखिए, उड़ीसा तो हमारा भगवान सूर्यदेव की भूमि है। सूर्यदेव की प्रेरणा से ही मोदी ने देश को एक और गारंटी दी है। सुनिए, ये आपके काम की बात लेके आया हूं, और मोदी की गारंटी है मुफ्त बिजली देने की, जीरो बिल। और घर में मुफ्त बिजली तो आएगी, लेकिन ज्यादा बिजली पैदा होने पर बेच करके कमाई भी होगी। भाजपा सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बनाई है। घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। हर परिवार अपनी जरूरत पूरी करके अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच भी सकेगा। यही नहीं, हम किसानों को, अन्नदाता को भी ऊर्जादाता बना रहे हैं। वे भी खेत की मेड़ पर या खाली जमीन पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। साथियों, मोदी भारत को विकसित बनाने का संकल्प ले रहा है, ताकि देश का हर परिवार, हर नौजवान का भविष्य समृद्ध हो। साथियों, आपका जोश मुझे मंजूर है। अब आप इससे आगे तो आ नहीं सकते हो, आपका इतना उत्साह है, इतना जोश है कि यहां छोड़ो, दिल्ली में कुछ लोगों की नींद खराब हो जाती है। आपके प्यार का कोई जवाब नहीं है दोस्तों। मेरे पास आपके उत्साह के लिए, धन्यवाद कहने के लिए शब्द भी छोटे पड़ रहे हैं। साथियों, ये भगवान जगन्नाथ की कृपा के बिना इतना प्यार किसी इंसान को नहीं मिल सकता। ये भगवान जगन्नाथ की कृपा है कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। साथियों, हमने मुफ्त राशन वाली योजना, यहां जो मेरे गरीब परिवार के भाई बहन हैं,
मोदी जो मुफ्त राशन भेजता है वो मिलता है ना? मुफ्त राशन मिलता है ना? समय पर मिलता है ना? अच्छी क्वालिटी का मिलता है ना? गरीब का पेट भरता है कि नहीं भरता है? गरीब के घर का चूल्हा जलता है कि नहीं जलता है? और इसीलिए मोदी को आशीर्वाद मिलता है, और इसलिए मोदी ने कहा है ये गरीब को राशन वाली योजना अगले 5 साल के लिए आगे बढ़ा दी जाएगी। साथियों, हम हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए भी तेजी से काम कर रहे हैं। हम गांव गांव में महिला स्वयं सहायता समूहों को मदद दे रहे हैं ताकि हमारी बहनें लखपति दीदी बने, लखपति दीदी। मैं देश भर में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहा हूं। गांव गांव लखपति दीदी बनेगी। लेकिन साथियों, इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारियों को ये पसंद नहीं आ रहा। इन लोगों के पास हमारे संकल्पों, हमारी सिद्धियां, हमारी नीति, हमारी निष्ठा के जवाब में कुछ नहीं है। इसलिए इंडी गठबंधन के लोगों ने अब मोदी पर हमले और बढ़ा दिए हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी का परिवार नहीं है। और कह रहे इसलिए मोदी को हटाना है। इंडी गठबंधन के ये परिवारवादी कहते हैं कि इनकी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। अगर ये वाकई विचारधारा की लड़ाई है तो इंडी गठबंधन वाले जरा कान खोल करके सुन लो, पैर जमीन पर आ जाएंगे। आपकी विचारधारा, इंडी अलायंस की विचारधारा फैमिली फर्स्ट है, परिवार प्रथम है। मोदी की विचारधारा है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। ये लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए ही जीते हैं, और मोदी भारत के हर परिवार के लिए खटता है, खपता है। ये परिवारवादी अपने बेटे बेटियों, नाती पोतों, भाई भतीजों, उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर की सोचते हैं। ये इंडी गठबंधन भी इसीलिए बनाया गया है। लेकिन मोदी देश के 1 करोड़ों बेटे बेटियों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए डटा हुआ है। इसलिए इंडी गठबंधन के परिवारवादी कहते हैं उनका लक्ष्य एक ही है, मोदी को हटाना है। जबकि मोदी का लक्ष्य है भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है, भारत को विकसित बनाना है। इन्होंने अपने बच्चों के लिए ही महल बनाए हैं, जबकि मोदी ने अपने गरीब से गरीब परिवार के बच्चों के लिए पक्के घर बनाए हैं। परिवारवादियों ने सत्ता में रहते हुए अपने परिवार की गरीबी हटाई है। मोदी के सेवा काल में 25 करोड़ परिवारजनों ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है। इसलिए मैं कहता हूं साथियों,
इसलिए मैं कहता हूं मेरा भारत मेरा परिवार, मेरा भारत मेरा भारत मेरा परिवार, मेरा भारत मेरा परिवार, मेरा भारत मेरा परिवार। और यही बात इन परिवारवादियों को खटक रही है, लेकिन मैं देख रहा हूं कल से ही देश का हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर बहन बेटी कह रही है मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं। आप मेरे साथ बोलिए मोदी परिवार। मुझे विश्वास है कि भारत के हर परिवार को सशक्त करने के लिए आपका आशीर्वाद हमें लगातार मिलता रहेगा। ओडिशा में आप सभी ज्यादा से ज्यादा कमल खिलाएं, आप यहां इतनी बड़ी संख्या में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सब अपना हमारे उड़ीसा के उज्जवल भविष्य के लिए अपने मोबाइल फोन को निकालिए, मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। यहां पर भी बैठे हुए लगे रहा मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू करें, ये रोशनी उड़ीसा के उज्जवल भविष्य के लिए है। ये चमकते तारे भारत का भाग्य बदलने के लिए है। ये हर नौजवान की ऊर्जा देश को नई ऊर्जा देने वाली है। पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।